नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू चैट। सपा सरकार में कोसी नदी पर बन रहे पुल का काम रुक जाने की वजह से पैसा वापस चले जाने के विरोध में पूर्व मंत्री आजम खान ने कोसी नदी में मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध। गुजरात से उत्तर भारतीयों के निकाले जाने पर आजम खान ने कहा कि कोई भी गुजराती भारत की फौज में नहीं। गुजरात से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मार मार कर निकाला जा रहा है, उनकी इज्जत जान और माल खतरे में है, उन्हें भागने का रास्ता भी नहीं दिया जा रहा है। यह जो नौटंकी हो रही है कि गुजरात के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यह सब छलावा है। गुजरात के बाद अगली बारी महाराष्ट्र की है। देश में उन्हीं लोगों को रहने दिया जाएगा जिनके पास आरएसएस का जीवन सर्टिफिकेट होगा, वही हिंदू माने जाएंगे। आजम खान का योगी पर भी बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि आपके अधिकारी ठर्रे में डूबे हुए हैं और आप रामराज का सपना देखते हैं। समाचार टू जेड के लिए रामपुर से राहत अली की रिपोर्ट। कि गुजरात जो भारत का सबसे रईस इलाका है और एक सर्वे के तहत 135 करोड़ हिंदुस्तानियों तक ये समाचार जाना चाहिए कि भारत की फौज में गुजराती या तो नहीं के बराबर है या कोई भी गुजराती भारत की फौज में नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि सरहदों की रखवाली करने वालों के सर उतार कर ले जाए जाते हैं, आज तक सर वापस नहीं आता। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले ये कहने वाले प्रधानमंत्री जी कि आप एक के बदले 10 सर लाएंगे, आप बगैर किसी सूचना के पूंजीपतियों की कमाई के लिए ईरान से हिंदुस्तान तक तेल की लाइन लाने के लिए जो पाइपलाइन बिछाना थी जिंदल ग्रुप्स को उसके मालिक के साथ जहाज में नवाज शरीफ के घर पहुंच जाते हैं, मां के पैर छूते हैं, अपनी मां को साथ नहीं रखते,